में थे तो ये पारमार्थिक जीवन होता है। सरोवर तरोवर संत जन चौथा बरसे मेह, परमार्थ के कारण चारों धरिया देह। इनका जीवन पारमार्थिक होता है। पेड़ स्वयं धूप सहते हैं, लोगों को छाया देते हैं, जो पत्थर मारे उसको फल देते हैं। देखो इसलिए पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगाने का मतलब एक मंदिर बनाना। पेड़ लगाओगे तो कभी उसकी छाया में आकर कृष्ण बांसुरी बजाएंगे। कृष्ण मंदिर में थोड़ी रहते हैं, कृष्ण तो वृंदावन में रहते हैं, जंगल में गाय चराने जाते हैं, घर से निकलते हैं तो कहां जाते हैं। इसलिए पुष्टि संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में मंदिर नहीं होता, हवेली मतलब नंदालय, नंद जी का घर है। घर से चल करके कृष्ण कहां जाते हैं, वो अपने घर से यानी अपने धाम से यहां आए पृथ्वी पर, नंदालय, उस घर से निकल करके वो जाते हैं वृंदावन। वास्तव में विश्व ही मंदिर है, और क्या मंदिर बनाओगे। मतलब मंदिर जरूर बनाए, बनाना चाहिए, लेकिन मंदिर में ही भगवान है ऐसी बात नहीं। आप जंगल भी बनाओ, आप पेड़ भी लगाओ बड़े स्तर पर। ये जो इतनी गर्मी, इतने एसी चल रहे हैं, इतने ग्रीन गैस वातावरण में जा रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ता रहा है, पैड लगा। एक पैड लगाने का मतलब है एक मंदिर बनाना, एक पैड लगाने का मतलब है एक अन्न क्षेत्र बनाना, क्योंकि पशु पक्षी आदि इत्यादि के लिए वो चारा देंगे फल इत्यादि से, तो अन्न क्षेत्र। एक पैड लगाना मतलब एक दवाखाना चलाना, क्योंकि वो औषधि भी है, नास्ति मूलम अनौषधम। तो एक पेड़ लगाने से बहुत सारा पुण्य मिलता है। कहते हैं एक मनुष्य अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ का उपयोग करता है, चाहे वो देखो तुम पैदा हुए और जो पलने में झूले वो लकड़ी का था, फिर जो तुम गाड़ी का आधार लेकर चलना सीखे थे वो लकड़ी की थी, फिर तुम स्कूल गए तो स्कूल कॉलेज का फर्नीचर लकड़ी से बना हुआ है, तुम अपने घर में भी फर्नीचर बना रहे हो, तुम्हारे मकान में लकड़ी का प्रयोग हुआ है, और तुम जिस कागज पर लिख रहे हो उसके लिए भी लकड़ी, और अंत में आदमी जो रसोई पकाता है तो बोले लकड़ी, अच्छा फिर अंत में जब मरता है और जलाया जाता है लकड़ी। एक इंसान एक या दूसरे रूप में है। आजकल भले घर में लकड़ी नहीं जलाते, चूल्हा नहीं है, गैस आ गए हैं, गैस का चूल्हा है, लेकिन किसी न किसी रूप में इंसान 5 वृक्ष का उपयोग करता है अपने जीवन में। इसलिए जब तक हम माता प्रकृति को 5 पेड़ नहीं लौटाते तब तक तो हम उसके ऋण में रहते हैं, तब तक तो आपने कर्जा चुकाया, लेकिन 5 पेड़ों से ज्यादा पेड़ तुमने लगाए तो तुमने प्रकृति माता को कुछ दिया, तो दान किया, और तब धरती माता प्रसन्न होती है। पेड़ लगा करके धरती माता का श्रृंगार करें, और हरियाली जहां हो पेड़ों की, उससे कितना सुंदर लगता है वातावरण। गल्फ में हम जाते हैं, अच्छा वहां तो समंदर के पानी को डिसेलिनेशन प्लांट से मीठा करते और फिर भी काफी पेड़ लगाते हैं, लेकिन बाकी रण ही रण है, पूरा रेगिस्तान है, और उसमें ऐसे बढ़िया बढ़िया भवन, बड़े बड़े महल बने हैं, लेकिन उसका सौंदर्य नहीं। इससे तो यहां किसी साधु की पर्णकुटी, लेकिन जंगल के मध्य में हो तो इतनी सुंदर लगती है, इतना कुदरती सौंदर्य होता है। हरियाली हो, देखो हरियाली में भी हरी है, हरा रंग आंखों को बहुत सुकून देता है, ठंडक देता है। हरा रंग क्या है पता है, कैसे बनता है? नीला और पीला दोनों को मिलाओ तो हरा हो जाएगा। नीला रंग कृष्ण का, पीला रंग राधा जी का, कंचनवर्णी राधिका सजल जरद घनश्याम। राधा और कृष्ण दोनों मिल गए तो हरा, तो हरियाली क्या है?
राधा कृष्ण का मिलन, इसलिए सुकून देता है हरा रंग। ये भी भाव है। कथा केवल सुन लेनी है कि कुछ करना है? यहां से सुना यहां से निकाल दोगे कि कुछ करना है? कौन धरती माता का ऋण चुकाना चाहता है? पांच से ज्यादा पैड लगाओ, या तो अपने आंगन में लगा लो यार, यदि आंगन है वो सुविधा है तो अपने आंगन में लगा लो, अपने खेतों में लगा लो, और नहीं तो कहीं बगीचे में जाकर के। अरे सरकार भी जमीन उपलब्ध कराती है यदि आपको वन बनाना है तो, ऐसी कई संस्थाएं हैं जो पैड लगाती है। धरती माता का श्रृंगार करो, फिर से हाथ उठाओ तो धरती माता का श्रृंगार करने के लिए प्रतिबद्ध। देखो इसमें आपको कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं करना और आप ऋण से मुक्त हो जाओगे। हा हा हा, इतने सारे हाथ, उसको कम से कम मैं पांच से भी गुणाकार करता हूं तो कितने पैड हो गए, और दो हाथ उठाए तो मुझे लगता है आप ये बता रहे हो कि हम तो दस लगाएंगे। अच्छा ही है, जितने ज्यादा लगा सको लगाओ। जाड़ लावा, आनी पानी दिया, उसकी केयर भी करना कि वो सूख तो नहीं गया, मर तो नहीं गया, देखते रहना। ठीक है, ये हमने संकल्प किया है तो हम धरती माता को, प्रकृति माता को ये दक्षिणा देंगे। ठीक है, श्योर, पक्का? तो अब जरा प्रेम से श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो नांदेड़ और ज्यादा हरा भरा दिखेगा। किनारे किनारे लगाओ, अरे आसो पालव ही लगाओ यार, पेड़ लगाना कुछ भी लगाओ, किनारे किनारे ही लगाओ तो तुम्हारी जमीन भी बचेगी और बहुत सुंदर लगेगा वो प्लॉट। किनारे किनारे लगा, ये तो है ही भक्ति लॉन्स। हरियाली है।